चित्तौड़गढ़ के भदेसर पंचायत समिति में एक कनिष्ठ सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के बाहर चाय की थड़ी पर एसीबी ने रिश्वतखोर को दबोचा है। राजसमंद एसीबी के निदेशक दामोदर सिंह ने बताया कि फरियादी ने परिवाद दर्ज करवाई थी कि उसके पिता की मौत 2017 में हुई थी। श्रमिक कार्ड योजना के तहत उसके पिता के रुपए उसे मिलने वाले थे। पिता के मरने पर 1,00,000 रुपए योजना के तहत मिल चुके थे, लेकिन बकाया पैसा पास करवाने के लिए भदेसर पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ सहायक रूप शंकर पारिक ने 30,000 की मांग की, फिर 20,000 में मामला सेट करके बकाया पैसा पास करवाने को राजी हो गए। पारिक ऑनलाइन कार्य करके रुपए पास करवाने का कह रहा था। रुपए मांगने पर फरियादी ने गोवर्धन लाल रेवारी ने राजसमंद एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत सत्यापन भी करवाया गया, जिसके बाद में रूपशंकर पारिक ने फरियादी से चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के बाहर चाय की एक थड़ी पर पैसे देने की बात कही। फिर फरियादी से रुपए लेते हुए बाबू रूपशंकर पारिक को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद एसीबी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। निवासी अपने सोडावास का है, जिसके पिताजी का श्रम कार्ड बना हुआ था, जिसकी वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई थी। इसके लिए उसने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता राशि 2,00,000 रुपये करीब मिलती है, तो उसके लिए उसने आवेदन किया था, जिस पर 1,00,000 रुपये जो है उसके खाते में आ गया था। 1,00,000 रुपये जो है कि उसकी कैश में देकर के उसकी FD बनाई जाती है, तो उसके लिए इसने जो है कि FD बनाने के लिए संपर्क किया था अपने पंचायत समिति भदेसर में श्री रूपशंकर जी, जो ये ऑनलाइन जो का ये करते हैं, तो इसके लिए जो है उन्होंने कोई 30,000 रुपये की डिमांड की थी। वैध काम के लिए जो है इन्होंने 30,000 रुपये की उससे मांग की थी, और उसके बाद में फिर 20,000 रुपये के लिए है कि इनके लेने पर जो सहमति जैसे बनी, तो आज जो है कि 10,000 रुपये जो है कि उस व्यवस्था करके जो परिवादी लेकर के आया था, तो उसको 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों और रिश्वत के इनको जो है कि अपने जिला परिषद के बाहर जो चाय की थड़ी है वहाँ से जो है 10,000 रुपये इनके। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।